तो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के बारे में। भूगोल दोस्तों मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर आपसे वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपसे दोस्तों वो स्टडी मिलने वाला है दोस्तों, जो कि आपसे कभी नहीं पढ़े होंगे। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, इतना बेसिक तरीके से हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों डीप में जा करके कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों छूटने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा दोस्तों, भूगोल को जानने के लिए इतना दोस्तों भूगोल में गोल कर देंगे, ठीक है ना। तो एंड तक बने रहेगा दोस्तों, सारे बात को समझ में आएगा। बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी का। इसमें बात करेंगे पहले दोस्तों कि जो तारा होता है, जो सूर्य है, जो तारा होते हैं दोस्तों, उसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे आखिर निर्माण हुआ दोस्तों तारा का, जो कितने तारे हो गए, कैसे निर्माण हुआ, उसका प्रक्रिया क्या था दोस्तों। सारे तारे की बात करेंगे, जो आठ तारा है दोस्तों हमारा, बुध, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शनि, वरुण, अरुण, सबके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है ना दोस्तों। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा दोस्तों। किस तारे को किस नाम से जाना जाता है, सारे बात को दोस्तों पृथ्वी के बहन यानी कि महान सारे बात को जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले बात करते हैं दोस्तों स्टार। पहले तो दोस्तों हम अब आप लोगों को बता दूं कि स्टार यानी कि तारा, जो स्टार होते हैं दोस्तों, जो तारा होते हैं, पहले आपसे भी बताइएगा कि तारा में क्या होता है, तारा के पास क्या क्या होता है। तारा जो होता है दोस्तों, जो आपसे स्टार देखते हैं तारा, उसमें क्या क्या होता है, आखिर क्या क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या क्या होता है दोस्तों, क्या क्या होता है। तो आप सभी को देखिए, मैं ये नहीं दोस्तों कि बस उठाया और चल दिया वहाँ पर, बस आठ ग्रह होते हैं, ये देखिए मैंने क्या किया कि बस क्या करते हैं लोग ना, ये सूर्य हो गया आपका, ये सूर्य हो गया, ये बुध, ये हो गया, ये बुध, ये यहाँ पर दोस्तों वो, ये पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और दोस्तों एक और होता है, और बस ये इतना होता है, ये इतना, इतने पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पहले डीप में पढ़िए, ठीक है ना, पहले डीप में पढ़िए, उसके बाद दोस्तों आपसे पता चलेगा कि आखिर ये जो सूर्य आया दोस्तों, इसका निर्माण कैसे हुआ, इस सूर्य का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, ये सब बात आप लोग जानिएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले बताइए कि तारा जो होता है दोस्तों, जो स्टार होते हैं, इनके पास क्या क्या होता है, अपना खुद का क्या, हमारे पास खुद का क्या है, जो हमारे पास है वही हमारे पास, जो आपके पास है वो तो पता ही क्या है आपके पास। तो दोस्तों जो स्टार होते हैं, जो तारा होते हैं ना, तारा के पास दोस्तों क्या होता है, अपना हीट होता है, और दोस्तों एक होता है लाइट, यानी कि हीट मतलब दोस्तों ऊष्मा, और दोस्तों लाइट यानी कि प्रकाश, जो कि दोस्तों हमारे सन के पास खूबी रूप से दिखता है। सन के पास दोस्तों अच्छी तरीके से इतना चीज हम सभी को दिखता है कि जो हीट है वो सूर्य के पास है, जो लाइट है वो सूर्य के पास खूब मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से है, इतना हम सभी को तो पता होगा। तो वो भी तारा हो गया, वो भी तारा हो गया ना दोस्तों, तारा हो गया। लेकिन बात करते दोस्तों, तारा के पास अपना हीट होता है और लाइट होता है। तो हम लोग देखिए 25 मिलियन तारा, देखिए हम लोग बात करने वाले दोस्तों कि सूर्य का निर्माण कैसे होता है, उसमें इतना ज्वाला कैसे होता है दोस्तों, उस सारे बात को जानने वाले। पहले दोस्तों देखिए, पहले जो होता है यहाँ पर देखिएगा, ये दोस्तों जो है ना, ये जो बना रहे हैं अभी, ये दोस्तों गैस है, बिरल गैस, ये क्या है दोस्तों समझिएगा पहले बात को डिटेल में, ये दोस्तों बिरल गैस है। पहले तो दोस्तों बिरल गैस की तरह रहता है, बिरल गैस, पहले क्या होता है दोस्तों, पहले नॉर्मली बिरल गैस की तरह दिखता है, पहले गैस में होता है, पहले गैस की तरह होता है। जब गैस पर दोस्तों दबाव पड़ता है, जब सिकुड़ता है दोस्तों, तो ये सिकुड़ करके दोस्तों इतना छोटा हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जब ये सिकुड़ता है तो इसका नाम निहारिका हो जाता है, निहारिका, इसका नाम हो जाता है दोस्तों निहारिका। जब सिकुड़ जाता है दोस्तों, इसके पास कुछ अपना हीट होने लगता है, कहता है दोस्तों हीट और लाइट आने लगता है जब ये सिकुड़ जाता है। तो उसके बाद दोस्तों जब और सिकुड़ता है तो ये जा करके दोस्तों सूर्य का रूप धर ले देता है, क्या कहता है दोस्तों, सूर्य का रूप धर लेता है। देखिए यहाँ पर सूर्य का रूप धर लेता है। जब दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से बना दे थोड़ा, ताकि आप सबको देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रक्रिया, उसके बाद क्या जाता है, सूर्य का रूप धर लेता है।
जब इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान आ जाता है दोस्तों, अपना तापमान, जब इसमें जो तापमान होता है दोस्तों ना, जब इसमें ये क्या होता है दोस्तों, जब इसमें तापमान हो जाता है, ये प्लाज्मा के रूप में रहता है। किसके रूप में दोस्तों? प्लाज्मा के रूप में। ये प्लाज्मा के रूप में रहता है दोस्तों। किसके रूप में? प्लाज्मा के रूप में रहता है। और प्लाज्मा एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जीव, जो कि एकदम खोलता रहता है यार, जैसे जो सूर्यमुख जो ये होता है ना, जो अंदर से निकलता है लावा, उसकी तरह दोस्तों ये प्लाज्मा होता है। ये हाइड्रोजन से हीलियम में दोस्तों जब कन्वर्ट होता है, ये जब यहाँ पर दोस्तों जो गैस होता है हाइड्रोजन से हीलियम में दोस्तों संलयन होता है, यहाँ पर दोस्तों कन्वर्ट होता है संलयन, ठीक है ना, इतना बात को जानेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों इतना मतलब अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि अगर इसमें अगर पैर भी रखे ना तो पैर एकदम पता नहीं चलेगा कहाँ शरीर गया कहाँ नहीं गया, हड्डी का तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों ये प्लाज्मा के रूप में रहता है। और प्लाज्मा एक ऐसा अवस्था है दोस्तों जिस पर पिघलते रहता है, पिघलते रहता है, जो वो होता है ना लावा की तरह पिघलते रहता है। अब दोस्तों जब यहाँ की बात आता है, यहाँ तक तो बात ठीक है कि यहाँ पर लाइट दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर लाइट दे रहा है ठीक। लेकिन दोस्तों दोस्तों इसका लाइट जब खत्म होता है ना, जब इसका प्रकाश खत्म होता है, तो ये क्या होता है, ये एक लाल दानों का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है दोस्तों? एक लाल दानों का रूप ले लेता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा होते चल जाता है। जब इसका दोस्तों अपना जब यहाँ पर खत्म होता है तो ये बड़ा हो जाता है। इसका नाम दोस्तों लाल दानों कहा जाता है, लाल दानव। यहाँ पर दोस्तों इसका नाम लाल दानव हो जाता है, ठीक है ना, क्या जाता है दोस्तों? इसका नाम लाल दाना हो जाता है। ये जब खत्म, यहाँ पर दोस्तों जब इसका रोशनी खत्म होता है, जब इसके पास खत्म होता है, तो ये रेड हो जाता है और लाल दानों के रूप में दोस्तों इसका नाम हो जाता है। और जब दोस्तों जब ये लाल दानों जो होता है, ये जब विस्फोट करता है ना, देखिए जब इसके हीट जो होता है ना दोस्तों, जब इसका जो हीट होता है, जो हीट होता है ये जब डिक्रीज करता है ना, तो इसका जो आकार है ना दोस्तों, आकार साइज की बात करें, आकार की बात करते हैं, तो इंक्रीज करने लगता है। इसका आकार क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज करने लगता है, ठीक है ना। जब इसका हीट जो है, ऊष्मा जो है इसका जब घटता है, तो इसका आकार दोस्तों बढ़ने लगता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ हो जाता है दोस्तों। जब इसका बड़ होने हो जाता है, तो उसके बाद दोस्तों ये तो विस्फोट करेगा, क्योंकि ज़्यादा जितना बड़ होते जाएगा दोस्तों वो विस्फोट करेगा। यहाँ पर पहले इतना है, इतना है, इतना, तो ये बड़ा जब होगा दोस्तों तो विस्फोट कर जाएगा। जब ये विस्फोट करता है, जब ये विस्फोट करता है ना दोस्तों, तो श्वेत वामन, श्वेत वामन के रूप दे लेता है, वामन, श्वेत वामन। यहाँ पर दोस्तों एक श्वेत वामन का रूप दे लेता है। उसके बाद दोस्तों एक और होता है काला वामन, क्या होता है दोस्तों? काला वामन होता है, काला वामन होता है, काला वामन। देखिए एक होता है दोस्तों श्वेत और एक होता है दोस्तों काला वामन, ठीक है ना। यहाँ पर श्वेत वामन, एक काला वामन होता है। और दोस्तों जब इधर भी स्पोर्ट, जब इधर छिटकारा मारता है, तो इधर आ जाता है दोस्तों, एक हो जाता है देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद दोस्तों हो जाता है एक, क्या हो जाता है उसके बाद होता है दोस्तों पल्सर, क्वेसर, क्या जाता है दोस्तों क्वेसर। और एक हो जाता है आप सभी का ब्लैक होल, ब्लैक होल। और जो ब्लैक होल दोस्तों एक ऐसा, ये दोस्तों एक ऐसा अवस्था हो जाता है, इतना छोटा सा तो रहता है लेकिन इतना इसका घनत्व तो दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। इसका डेंसिटी, ये इतना वजनदार हो जाता है दोस्तों, इतना अगर छोटा ले लीजिए एक ढेला, तो ये इतना वजनदार हो जाए दोस्तों कि वो अगर इतना अगर ढेला को मार दीजिए तो कपार फट करके एकदम लाल हो जाए दोस्तों, रियली बता रहा हूँ, इतना वो भारी होता है ना। ये देखने में तो छोटा रहेगा ब्लैक होल, लेकिन दोस्तों इसका जो वजन होता है बहुत भारी होता है इसका। ये क्या करता है दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा मतलब भारी होता है ब्लैक होल, ठीक है ना, ब्लैक होल बहुत भारी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दोस्तों इसके फटने से ये सब नहीं बनता है, ये दोस्तों सॉरी यार, ये जब ये फटता है तो यहाँ पर दोस्तों एक होता है, एक होता है दोस्तों अभिनय तारा, अभिनय तारा, अभी नौ 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 तारा, अभिनव तारा। और अभिनव तारा जब विस्फोट करता है दोस्तों, ये एक विस्फोटक तारा है, अभिनव तारा दोस्तों एक विस्फोटक तारा है, सॉरी यार मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। अभिनव तारा जो होता है दोस्तों ये एक विस्फोटक तारा होता है, अभिनव तारा एक विस्फोटक तारा दोस्तों। जब अभिनव तारा जब विस्फोट करता है तब जाकर के न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर और ब्लैक होल का निर्माण होता है दोस्तों। और सारे बहुत सारे होते हैं लेकिन उनको दोस्तों उतना ज़्यादा वो नहीं होता है जितना कि ये नीचे आ रहते हैं। और ये क्या कर, देखिए इनमें क्वालिटी भी है, ऐसा बात नहीं कि इन चारों को क्यों लिया गया। ब्लैक होल दोस्तों बहुत भारी होता है,
न्यूट्रॉन दोस्तों थोड़ा बड़ा होता है, और जो पल्सर क्वेसर होते हैं दोस्तों बहुत तेजी से क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं दोस्तों, तेजी से घूर्णन करते हैं। ये दोनों दोस्तों जो होते हैं वो तेजी से क्या करते हैं दोस्तों, घूर्णन करते हैं, ठीक है ना, तेजी से, बहुत तेजी से घूर्णन करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन का टाइप दोस्तों देख लीजिए, क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ठीक है ना। इतना दोस्तों बात आप सबको समझ में आया कि यहाँ पर दोस्तों सूर्य का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, एक बार और इसको जान लेते हैं। मैंने दोस्तों बता दूं कि अभिनव तारा जो होता है एक विस्फोटक तारा होता है, अभिनव तारा एक विस्फोटक तारा होता है। पल्सर और क्वेसर घूर्णन करता है तेजी से, पल्सर और क्वेसर दोस्तों तेजी से घूर्णन करते हैं। एक और बात जान लीजिएगा दोस्तों कि जो कलर ऑफ स्टार, कलर ऑफ स्टार की बात करें, तारा का जो तारा जो होते हैं दोस्तों उसका रंग कैसे बदलता है, कभी लाल, कभी श्वेत और कभी ब्लू दिखाई देता है, आखिर क्यों क्यों दिखाई देता है दोस्तों, तो उसका भी कारण जान लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपसे समझा दे रहा हूँ कि उसका कारण क्या होता है कि कभी ब्लू, कभी लाल और कभी श्वेत दिखाई देता है, देता है लेकिन आपसे को पता नहीं चलता, देता है। देखिए यहाँ पर दिखा दूँ तारा का रंग किस पर डिपेंड करता है, तो ये दोस्तों पृष्ठीय तापमान पर डिपेंड करता है। किस पर दोस्तों, पृष्ठीय तापमान पर, पृष्ठीय तापमान पर दोस्तों, तापमान पृष्ठीय तापमान पर दोस्तों डिपेंड करता है कि पृष्ठीय तापमान कितना है। देखिए अगर दोस्तों पृष्ठीय तापमान इसका जब नॉर्मल होता है ना, जब नॉर्मल होता है दोस्तों, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल तो क्या होता है, अगर नॉर्मल रहे तो दोस्तों वो लाल दिखाई देता है नॉर्मल, तो हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैसे, तो आप सभी बोलेंगे कि सूर्य जो होता है उसका तापमान नॉर्मल होता है, हाँ उसका तापमान नॉर्मल होता है, इसीलिए दोस्तों वो लाल दिखाई देता है, इसीलिए क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अगर दोस्तों मीडियम की बात करें ना, अगर दोस्तों हमारा मीडियम रहे तो मीडियम में दोस्तों हमारा कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है, श्वेत मीडियम में दोस्तों श्वेत दिखाई देता है। अगर हाई टेम्परेचर है दोस्तों, हाई रहे तो उसमें दोस्तों कैसा दिखाई देता है दोस्तों, ब्लू दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तारा के रंग की बात करें दोस्तों तो पृष्ठीय तापमान पर डिपेंड करता है, किस पर दोस्तों डिपेंड करता है, पृष्ठीय तापमान पर डिपेंड करता है कि उसका पृष्ठीय तापमान कितना है। अगर दोस्तों पृष्ठीय तापमान उसका अगर नॉर्मल हो तो लाल दिखाई देगा, अगर मीडियम हो तो श्वेत दिखाई देगा, अगर हाई हो तो ब्लू दिखाई देगा, ठीक है ना दोस्तों। सूर्य का ईंधन प्लाज्मा में होता है, गैस हाइड्रोजन होता है, सूर्य का जो तापमान होता है दोस्तों, सूर्य का जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा में होता है, घनत्व ज़्यादा किसका होता है, तो ब्लैक होल का होता है। एक बार इसको रिविजिंग कर लेंगे दोस्तों कि कैसे क्या है। देखिए मैंने बताया दोस्तों कि पहले जो सूर्य का जो बनने का प्रक्रिया होता है वो दोस्तों पहले विरल गैस के रूप में होता है, जो कि पहले गैस होता है, जब उस पर दोस्तों दबाव पड़ता है तो उसका दोस्तों जो घनत्व वो कम होते जाता है दोस्तों, वो कम होते इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा नहीं मतलब छोटा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर उस पर दबाव पड़ता है तो वो दोस्तों निहारिका का रूप ले लेते हैं, किसका रूप लेता है दोस्तों, निहारिका का रूप लेता है। निहारिका के बाद जब ये और दोस्तों हतु होता है तापमान में दोस्तों, ये तपता है तो ये जाकर के सूर्य का ये दोस्तों निर्माण ले लेते हैं, सूर्य का रूप ले लेते हैं। और सूर्य के पास दोस्तों जो एक ऐसा दोस्तों जो वहाँ पर दोस्तों जो इसका जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा के रूप में रहता है। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, साला तारों के शहर में ले जाएगा उसको मुआएगा नहीं, गनवाए कि चलो ले चलते हैं तारों के शहर में, तो तारों के शहर में ले जाने पर दोस्तों जो प्लाज्मा रहेगा तो मरिए जाएगा, लोग कहाँ ले जाओगे तारों के शहर में, ठीक है ना। तो ये जो बोलता है ना कि ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तो तारों के शहर में दोस्तों क्या होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा दोस्तों एक ऐसा अवस्था तो जिसमें दोस्तों अगर किसी को फेंक दिया जाए ना, साला पता ही नहीं चलेगा कि कैसा उसका हड्डी कहाँ गया और क्या कहाँ गया, ठीक है ना। तो प्लाज्मा के रूप में रहता है, और हाइड्रोजन से हीलियम का हतु होता है दोस्तों। उसके बाद इसका जब टेम्परेचर, इसका जो हीट है दोस्तों कम होता है तो इसका आकार दोस्तों बढ़ने लगता है, जब हीट कम होता है तो आकार इसका क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब इसका आकार बढ़ने लगता है दोस्तों तो ये विस्फोट करेगा, कोई भी चीज़ हो दोस्तों अगर वो अपने अगर हद से ज़्यादा अगर बढ़ता है तो वो क्या होगा दोस्तों, विस्फोट करेगा, पहले इतना फिर इतना फिर इतना फिर विस्फोट कर जाएगा। दोस्तों जब ये विस्फोट करता है तो श्वेत वामन और अभिनव तारा का रूप ले लेता है, और फिर एक काला वामन का रूप भी लेता है, ठीक है, छोटे तारा के लिए होता है। अब दोस्तों अभिनव तारा जो दोस्तों आप सभी को ये दिखाई दे रहा है, अभिनव तारा ये एक ऐसा तारा है दोस्तों जो कि विस्फोटक तारा के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि विस्फोटक तारा के रूप में किसे जाना जाता है, विस्फोटक तारा के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो विस्फोटक तारा के रूप में हम अभिनव तारा को जानते, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहा जाता है, ठीक है ना।
जब ये दोस्तों विस्फोट होता है, अभिनव तारा जब विस्फोट होता है दोस्तों, तो ये न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल का निर्माण करते हैं और सारा भी करता है, लेकिन दोस्तों चार को महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों आकार में थोड़ा बड़ा होता है, पल्सर और क्वेसर बहुत तेज गति से घूर्णन करते हैं, ब्लैक होल बहुत ही दोस्तों क्या बोले, इतना अगर लेकर कहीं फेंक दे ना तो गड्ढा कर देगा, इतना मजबूत होता है दोस्तों, इतना वो क्या होता है, मजबूत होता है। यहाँ पर मैंने बताया दोस्तों कि तारा का जो रंग होता है वो पृष्ठीय तापमान पर डिपेंड होता है, किस पर दोस्तों, पृष्ठीय तापमान पर डिपेंड होता है, पृष्ठीय तापमान अगर तापमान नॉर्मल हो, कम हो, तो वो लाल दिखाई देगा जैसे कि सूर्य। अगर दोस्तों तापमान मीडियम हो तो वो श्वेत दिखाई देगा। अगर हाई हो ना दोस्तों तो वो श्वेत की सॉरी ब्लू टाइप का दिखाई देगा, ब्लू टाइप का। अब दोस्तों आप सबको इतना क्या बात समझ में आ गया कि इसमें बात क्या क्या कहा गया दोस्तों और कैसे कहा गया है, तो इतना बात दोस्तों अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सूरज का ईंधन जो होता है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है, सूरज का जो ईंधन होता है वो किस रूप में होता है दोस्तों, तो वो होता है आप सभी का प्लाज्मा के रूप में, प्लाज्मा के रूप में होता है। घनत्व ज़्यादा किसका होता है, तो ब्लैक होल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ब्लैक होल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ब्लैक होल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो आप सभी को दोस्तों इतना तक समझ में आ गया, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों काल आकाशगंगा, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारा सूर्य आकाशगंगा में है। आकाशगंगा दोस्तों देखिए, आकाशगंगा को हम लोग आकाश देखिए आकाशगंगा बहुत सारी है यार, बहुत सारा, 1 मिलियन आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में दोस्तों बहुत करोड़ों रूप में दोस्तों, यानी कि लाखों अरबों दोस्तों क्या है, तारा है। आकाशगंगा में लाखों करोड़ों दोस्तों क्या है, तारा है, और उस तारा में एक हमारा तारा दोस्तों जो कि महत्वपूर्ण है, सूर्य है, जिसके बारे में दोस्तों कल हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में, आकाशगंगा के बारे में, कि आकाशगंगा किसे कहते हैं और हमारा आकाशगंगा का क्या नाम है और हमारे बगल वाला क्या नाम है, सारी चीज़ को बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सारे भाई को इतना बेनिफिट दोस्तों वीडियो मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।